इतना डाउन। देख देख देख, आराम से जा भाई, तोर लाइव फुटेज रिकॉर्ड हो जाइए, स्लिप होता जो एवं आंटी देखने फसिजु। तो हेलो गाइस, व्हाट्स अप, इट्स योर स्लामी सिकन। ऑलरेडी आप लोगों ने हमारा दो ब्लॉग देख चुके हैं दारिंगबाड़ी का। सो टुडे इज डे 3 एंड टुडे वी आर गोइंग टू द मंडासुर वार नेचर केव। उधर एक तो सीक्रेट वाटरफॉल भी है, लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दैट। एंड होगा तो लवर्स पॉइंट भी जाएंगे, एंड एक दो छोटा मोटा इधर कुछ वाटरफॉल है उधर भी जाके देखते हैं जगह सब कैसा है। सो लास्ट तक देखिए मेरे साथ बना रही है एंड जस्ट एंजॉय द ब्लॉग। एंड स्टिल यार, इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज गो एंड जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ऐसे ही मजेदार मजेदार ब्लॉग आता रहेगा। सो गाइस, दिस इज माय टू डेज ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड जैम, टू पीस ब्रेड विद जैम। लेट्स हैव माय ब्रेकफास्ट फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर आवर टू डेज टूर। एंड गाइस, सुबह सुबह से संदेश उठ के जाके छत पे कैसा सीनरी है आगे मुझे भयानक वाला कुछ ही एक्सप्लेन किया था। लेट्स गो एंड हैव अ लुक हाउ एक्चुअली दारिंगबाड़ी लुक्स लाइक फ्रॉम द रूफ टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग। एंड गाइस, हियर वी आर ऑन द टॉप एंड जस्ट हैव अ लुक how actually Dharingbadi looks like। एंड गाइस, हमारा डे थ्री मतलब आज का प्लान ये है कि यहाँ पर आसपास में जितने भी वाटरफॉल है सबको एक्सप्लोर करना है। पहला बात तो जो मंडासुर का जो तो सीक्रेट वाटरफॉल है उसे एक्सप्लोर करने में मैं आने वाला नहीं हूँ। अगर मिल जाएगा क्या लॉज वाले बोल लेते हैं, अगर कोई उधर जाता है तो उसका रिकॉर्ड रख करके रखते हैं क्योंकि उधर ज़्यादा कोई जा नहीं पाते। सो देखते हैं हमारा ऐसा लॉक है कि नहीं, अगर ऐसा लॉक हुआ तो आप लोग भी वर्चुअली देख पाएंगे वो वाटरफॉल कैसा है। देन लवर्स पॉइंट रहा, वो मे भी हम जाने के रास्ते पर ही देख लेंगे क्योंकि वो इधर से 17 किलोमीटर है, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड पर ही वो है। लेकिन आज मंडासुर वाटरफॉल एंड दासिंगबाड़ी एंड मंडासुर का एक खासियत है जो मैं उधर ही जाके बोलूंगा, अभी से नहीं बोलने वाला हूँ। डूडली से हाय हाय, भलो समस्त बुली आसीबो। एंड कार्स आर गेटिंग रेडी एंड वेयर यू गो। एंड गाइस, हम अभी एक तो इधर का पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं, यू कैन सी इन द बैकग्राउंड। इधर बहुत मुश्किल से ही एक या दो पेट्रोल पंप है, एक तो चार छक से उधर जाने से पड़ता है एंड एक तो लेफ्ट साइड आने से इधर चार छक से पड़ता है। सो गाइस, व्हेनेवर यू आर कमिंग मेक श्योर योर टैंक शुड बी फुल। हमारा भी टंकी फुल हो गया आया था गाड़ी का, बट कल आने का रास्ते में और हम कहीं पेट्रोल पंप पे रुके नहीं थे क्योंकि हमको जल्दी इधर आके कुछ जगह पहले से एक्सप्लोर करना था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया हमें। एंड आज हम पेट्रोल भरने आए हैं क्योंकि कोई भी चीज़ हो जाए मुझे पहले से बैकअप रखना पसंद रहता है क्योंकि बाद में मैं कभी रिस्क लेना नहीं चाहता। सो ऑलरेडी टैंक इज हाफ एंड इजीली वी कैन गो टू मंडासुर वाटरफॉल, बट स्टिल मुझे रिस्क लेना पसंद नहीं। सो इसीलिए चलो पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल फुल ही कर लेते हैं, उसमें कुछ नहीं है क्योंकि गाड़ी आज नहीं तो कल पेट्रोल लेगा ही लेगा। एंड गाइस, व्हेनेवर यू आर कमिंग टू दिस प्लेस प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव टू कम विद बैकअप, क्योंकि इधर खाने पीने का मतलब उतना अच्छा सोर्स तो नहीं है। सो आपको पहले से ही घर से ही खाना पीना सब लेके ही आ जाना ही आप सबके लिए बेस्ट रहेगा। सो कम दिस प्लेस एंड एंजॉय इट। हियर इज द पार्किंग स्पेस, यू कैन पार्क योर कार एंड बाइक्स हियर। एंड नाउ वेटिंग फॉर आवर झालमुड़ी वाला ब्रेक। एंड गाइस, नाउ यू कैन सी इन द बैकग्राउंड दैट नाउ वी हैव रीच्ड टू मंडासुर नेचर कैंप, लेट्स गो इनसाइड। तोर गोले से रोहिया पे अच्छी ना सब
हाँ बुकिंग पाइज रहा अच्छे ना ओडिया डगा मैंने सब जो आते लेट रही थे ना सोम भाई तो रिचार्ज द कॉटेजेस इफ वांट टू बुक देन फॉर नाइट द कॉस्ट इज अराउंड 3700 रुपीज बाय एडिंग योर ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स एंड डिनर मील्स ओडिया डगा जिते आसते से सही रही थे सोम भाई कोड रही थे ए रूम रही थे सोम भाई वाओ द व्यू इज रियली ऑसम गाइस वेट लेट मी सी ऑल ऑफ यू गाइस जस्ट लुक एट माय बैकग्राउंड ऑसम गाइस नाउ वी आर गोइंग इनसाइड दैट हाउस जहाँ पे आके सोम भाई रुके थे सोम भाई अगर आप इस वीडियो देख रहे हो तो मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ एंड आई एम रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड यही जगह ओडिया टोका भाई रही थे बाहर बसियापाई ए साइड भी बसियापाई एंड दिस इज द रूम बढ़िया वुडेन कॉटेज गुड़ा है बढ़िया पूरा नेचुरल एंड गाइस यहाँ पे सिर्फ सोम भाई रुके थे इसीलिए हम भी आके एक दिन इधर ही रुक रहे हैं कल इधर सोम भाई रुके थे सुबह कॉटेज से आप निकलोगे एंड व्यू इज समथिंग लाइक दिस जस्ट हैव अ लुक ऑन इट I told all of you earlier that यहाँ का एक खासियत है एंड दी मेन थिंग ऑफ दिस प्लेस इज यहाँ पे क्या एक तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसके वजह से उसके ऊपर से फ्लाइट जा नहीं पाता इज नाउ वी आर गोइंग टू द वॉच टावर वॉच टावर के ऊपर से व्यू और ही ज़्यादा वाला भयानक आएगा सो जल्दी चलिए उधर जल्दी चल के देखते हैं कैसा व्यू है रियली गाइस दिस प्लेस इज रियली वंडरफुल आई कैन गिव यू द गारंटी यू विल बी नेवर डिसअपॉइंटेड And you can see in the background, this is the watch tower. And guys, this is the first watch tower. चलिए ऊपर जाते हैं थोड़ी देर परवा. आंटी अंकल थोड़ा slow slow जा रहे हैं slow slow. Because they are not young guys like we are. Guys, just have a look. और थोड़ा ऊपर जाते हैं. अंजना एंड गाइस नाउ वी आर एट द टॉप एंड द व्यू इज समथिंग लाइक दिस एंड इधर से फोटो शूट कर रहे हैं एंड गाइस रियली आई नाउ आई एम मिसिंग माय कैमरा वेरी मच कोच मेरा कैमरा थोड़ा खराब हो गया था दैट्स व्हाई आई हैव टू गिव इट ऑन भुवनेश्वर केस्टर कस्टमर केयर एंड वो लोग ये बोले कि वो लोग कैमरा कर नहीं सकते सो वो लोग कोलकाता भेजे छोटा सा डिफॉल्ट था फिर भी मुझे मेरा कोई भी चीज़ हो जाए मतलब थोड़ा सा भी डिफेक्ट करने से यूज करने से अच्छा नहीं लगता एंड रियली आई टेक केयर ऑफ माई गैजेट्स जस्ट लाइक ए बेबी एंड माई कैमरा एंड एवरी गैजेट वॉट एवर आई एम यूजिंग राइट नाउ इज दे आर रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट सो थोड़ा सा भी डिफेक्ट करने से मैं उसे यूज नहीं करता वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिस सेकेंड वॉच टावर एंड गाइस वो जो रास्ता है वो रास्ता से अगर आप जाओगे तो फिर वाटरफॉल आएगा नाउ वी आर गोइंग टू द वाटरफॉल उधर चलते हैं देखते हैं वाटरफॉल कैसा है सब बोल रहे हैं थोड़ा रिस्की जगह है एंड लेकिन मस्त वाला व्यू है
So just go there and have a look how it actually looks like. Guys, if anyone wants to book the cottage, मैं उस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उधर से इजीली टिकट बुक कर सकते हैं। गाइज इधर से रास्ता थोड़ा खराब है, इसीलिए कार में भी इधर छोड़ के जाना पड़ेगा नीचे। संदेश आगे आगे जा रहे हैं, चलिए जाते हैं और देखते हैं। और कहीं तो नहीं आ पाया क्योंकि बहुत ऊपर है, कार भी नहीं आ सकता। सो देख रहे हो तो कैसा हुआ, मैं और संदेश ही चले आए। बहुत ही भयानक जगह है, लेकिन गाइज रियली जस्ट हैव द लुक, इट्स जस्ट ऑसम गाइज। एंड गाइज इधर से जाना होगा एंड देखते हैं वाटरफॉल कैसा है। इधर आके इधर से जाना होगा, इधर से जाना है ना वाटरफॉल। ओडिया, अरे ओडिया किंतु ब्लॉग टा हिंदी में पड़ियो ना, यूट्यूब रे सही भाई बोली हिंदी को। नहीं 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 एक्चुअल रोजित इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये इड तो कार दास कर लो, तो नहीं मैंने सुपर दो पूरा। लेट्स गो इनसाइड वाटरफॉल को। रास्ता कौटा टिकट को जस्ट बिफोर सम टाइम मैं आप सबको ये दिखाया था कि मंडासुरू नेचर कैंप से ये वाला रास्ता कैसा दिखता है। एंड नाउ यू आर ऑन दैट रोड एंड हम अभी नीचे जा रहे हैं वाटरफॉल के पास, क्योंकि मैं इधर आया हूँ तो एक भी जगह छोड़ के जाना वाला ही नहीं था। मैं आया हूँ तो पूरा फुल एक्सप्लोर करूँगा फिर जाऊँगा। यहाँ पे सुना इधर आए साउंड वाटर का, देखो साउंड। गाइस जस्ट लिसन द साउंड पीसफुली। And guys, one more thing, whenever you are coming to this kind of place, means for trekking, then please use proper shoes. Because shoes का अच्छा रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि life एक बार ही आएगा। Just example देखिए कितना down slope है इधर। And please use this kind of shoes. If you are need this kind of shoes, then I will give the link in the description below. Just go and check it out. And one more thing, whenever you are buying something like a shoe or any kind of product, just go to Myntra, Flipkart and check out different application. Cause different जहाँ पे different prices रहता है, prices list में बहुत फर्क रहता है। जहाँ से थोड़ा कम में मिल रहा है देन उधर से लीजिए, क्योंकि money matters and especially nowadays COVID times and money matters really very much. So if you are coming this kind of place, then please use proper trekking shoes, guys. And here are two uncles are coming with us. गाइज देखिए कितना स्लोप है इधर, इसीलिए ही बोल रहा हूँ इफ़ यू आर कमिंग दिस काइंड ऑफ प्लेस देन प्लीज कम विथ प्रॉपर ट्रैकिंग शूज गाइज, अदरवाइज डोंट कम, क्योंकि बहुत स्लिप है एंड जूता का ग्रिप अच्छा रहना भी बहुत जरूरी है। गेंदे हो जाए तोड़े ब
बहुत भल अच्छे कष्ट मात्र कष्ट मात्र हां बस कष्ट लो मत ना जस्ट देखिए कैसा है बे लुक इतना डाउन देख 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 आराम से जा भाई तोर लाइव फुटेज रेकर्ड हो जाए स्लीप होता जो एवं आंटी देखने फसिजु आते दूर भाई आते दूर जब भी तर आ रहे हो थोड़ा देख के आओ क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्लोप है जस्ट बहुत ही भयानक स्पॉट है थोड़ा थोड़ा साउंड भी सुनाई देना लग रहा है हाँ 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 विथाउट प्रॉपर ट्रैकिंग शू आसियाडा रिक्सू कम नो बहुत रिक्स गाइस जब भी आ रहे हो प्लीज कम विथ प्रॉपर ट्रैकिंग शू आई एम रिपीटिंग इट अगेन कॉज बहुत ही भयानक वाला जगह है इधर नाउ यू आर एट द रेट द सीक्रेट वाटरफॉल ऑफ दारिंगबाड़ी व्हिच इज नियर मंडासुरु देख लीजिएगा इस कितना डाउन है और बड़ा वाला वाटरफॉल इधर से साइड से कहाँ पे है थोड़ा नीचे जाके देखना पड़ेगा देखिए कितना डाउन है इधर पत्थर के अंदर से पानी आ रहा है एंड दिस साउंड इज सो प्लीजेंट जस्ट लिसन दिस साउंड इधर मतलब बहुत सारे जगह पे बहुत सारे वाटरफॉल है इधर भी देख सकते हैं आप इधर भी एक तो छोटा छोटा वाटरफॉल है इधर एंड द वाटर इज रियली सो कूल गाइस जस्ट लुक नाउ आई एम इन द मिडिल पार्ट ऑफ द जंगल और देखिए मैं इस रास्ते से ऊपर आया एंड अभी इस रास्ते से चढ़ के मुझे ऊपर जाना होगा देन वो बड़ा वाला वाटरफॉल को दिखने के लिए मिलेगा सो लेट्स गो गाइस I have no more stamina to speak. गुडली हमको खोजी खोजी पड़े आसी जब हम वाटरफॉल से अभी ऊपर आए ना तो पूरा माहौल गर्म हो के था फैमिली का सब है देखे सब चले आए हम लोग किधर गए बोल के आ गए इधर पूरा इतना जोर से गाली दे दिया मतलब पूरा ऊपर पहाड़ में पूरा माहौल गर्म हो गया और गुडली और उधर गुडली पूरा चुगली करने में लगी हुई है ओके छोड़ो जो भी हो आप लोग आए आए और
बहुत ही एंजॉय करे, प्लीज कम विथ सेफ्टी प्रिकॉशन। अबे लुक, रास्ता नीचे गया फिर ऊपर गया, आने के टाइम तो पूरा यू टर्न मार मार के आओगे, पूरा जिग जैग वाला रास्ता है। सब आओ मस्त एंजॉय करो। तो गाइस हम अभी ये राइकिया टाउन पे अभी रुक गए हैं एंड वी हैव टू टेक आवर लंच। वॉच इज ऑलरेडी 2 PM और सुबह से कुछ नहीं खाए, सो आगे जाते हैं, देखते हैं इधर लंच कैसा मिलता है। होप सो बहुत ही अच्छा वाला मिलेगा एंड लेट्स गो एंड सी। दिस इज द होटल। आते वक्त मैं और संदेश जब पूछिए आ रहे थे तो एक हफ्ते वाला का हमने ये पूछा कि मैं गया और पूछ रहा हूँ उसे, भैया इधर का सबसे बड़ा वाला रेस्टोरेंट कौन सा है, एंड ही प्रेफर दिस। फिर सोच लीजिए दूसरा रेस्टोरेंट का हालत क्या होगा, बट एनीवे काम चलाना ही होगा कभी कभी। एनीवे छोड़ो, लेट्स हैव द लंच। दिस इज द प्लेट, मशरूम चिली आना बाकी और ऐसा कुछ मैं यार मुझे खाना पड़ रहा है। माई लॉन्च इज ओवर, मैं अंदर और कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि जब मैं शूट कर रहा था वो सब लोग मतलब घूर घूर के देख रहे थे, पता नहीं क्यों। मैं भी छोटा सा जगह है, ब्लॉगिंग के बारे में इन लोगों को कुछ आइडिया नहीं होगा, स्टिल मैं इतना भूखा था, जो मिला खा दिया और चलो भाई जो मिला वही सही है सोच के चले आया भाई। चलो ये दासिंगवाड़ी वाटरफॉल तक रास्ता मतलब बहुत ही ख़राब है, मतलब पूरा डाउन होके जाना पड़ेगा। एक गाड़ी तो हम पार्क कर दिए थे, फिर वो वाला भी गाड़ी आ रहा है, हमारा गाड़ी देखते हैं धीरे धीरे। रास्ता बहुत ही डेंजर वाला है इधर, बहुत ही रिस्क, मतलब इफ यू आर कमिंग इन अ सेडान कार प्लीज डोंट प्रिफर इट SUV, ऑलवेज प्रिफर SUV इफ यू आर कमिंग दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। नाउ फाइनली वी आर इन दारिंगबाड़ी, टुडे आई हैव माय ट्राइपॉड एंड आई एम गोइंग टू टेक सम लॉन्ग एक्सपोजर, सो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड जस्ट एंजॉय द व्लॉग। गाइस यू कैन सी द बैकग्राउंड, स्टेयर्स आर देयर। इधर से नीचे जाके एवडा को होला जी, अच्छा गाइस जिया से हमको हल्दी नहीं लाजियो, यू कैंट बिलीव बट द रोड क्वालिटी ऑफ कंधमाल आर रियली ऑसम। मतलब इतना बढ़िया रोड है ना इधर, हाँ कुछ जगह पे थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप हो गया है लेकिन जितना जगह मतलब मैक्सिमम जगह पे बहुत बढ़िया वाला रोड है, बहुत मस्त। वी आर हियर इन दासिंगबाड़ी वाटरफॉल, जगह मस्त है, यू कैन सी द बैकग्राउंड, सी दिस बैकग्राउंड, दिस इज दासिंगबाड़ी वाटरफॉल। संदेश इज टेकिंग सेल्फी, बहुत ही बढ़िया जगह है। एंड गाइस जस्ट टेल मी इन द कमेंट बिलो कि ये वाला वाटरफॉल आपको कैसा लगा, एंड और ये जो हमारा दारिंगबाड़ी का ब्लॉग सब आपको कैसा लग रहा है। एंड वन मोर थिंग गाइस, मैं अभी प्लेलिस्ट करके सब ब्लॉग डाल दे रहा हूँ और ये दारिंगबाड़ी के वाला जितना भी ब्लॉग आएगा सिर्फ एक ही प्लेलिस्ट में आएगा, डायरेक्ट जाइए और उधर सब आप चेक कर लीजिए। होप सो गाइस ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो, विल मीट इन आवर नेक्स्ट ब्लॉग, टिल द टाइम बाय बाय। चलो कॉल मारो। आंटी आपको ये जगह कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत जल्दी आ जाए। और आंटी आप क्या क्या देखे इधर, क्या क्या देखे? मेरे को याद नहीं पता, इतना जगह देखे तो मेरे को याद नहीं पता। अरे इतना अच्छा जगह है ये। कभी सीटों नहीं भी निकालता बिना न्यादे जाली दो चौन। आंटी से हाय हाय कर दो, तुम्हें यूट्यूब रे आसी हो चला। गाइस देखिए इन लोग कैसे जा रहे हैं, एक एक तो बाड़ी पकड़ के, गुडली बिना चप्पल का आ गया था। गाइस देखिए इन लोग कैसे जा रहे हैं, एक एक तो बाड़ी पकड़ के, गुडली बिना चप्पल का आ गया था।